नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास टेंथ का मैथ स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने प्रश्न वाली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर बच्चों आज के लेक्चर में लेने वाले बच्चों सातवां क्वेश्चन, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के प्ले लिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते बच्चों, और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए बच्चों के लिए बड़ा, और यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन डोंट वरी बच्चों, मैं आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और शांति से समझ लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश में भी दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है लगता है, तो जबकि इसी मैदान पे चक्कर लगाने के लिए रवि जो है वो 12 मिनट के अंदर चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पे चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम के थ्रू हम पता कर पाएंगे कि कौन कितना समय में वापस आ सकता है। और बच्चों यहाँ पर मैं एक बार इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ बच्चों, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर ये देख सकते हो बच्चों, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आपको देखना है स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ सकते हो बच्चों, ये क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना ज़रूरी है। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखो बड़ा, सोनिया 12 और रवि 18 मिनट, तो दोनों का मैंने लिख लिया बच्चों। अब एक एक करके हम यहाँ पर पहले एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बच्चों हमें 12 का फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर। चलिए कैसे जाएगा बच्चों, 2 से जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, फिर 2 से गया बच्चों 6 बार में, सॉरी 3 बार में, फिर 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से गया 1 बार में, यानी 12 का फैक्टर क्या पड़ेगा बच्चों, 2 × 2 × 3। चलिए 18 का इसी तरीके से निकालो बच्चों, 2 से जाएगा 9 बार में, 2 × 9 = 18, फिर 3 से जाएगा 3 × 3 = 9, फिर 3 से जाएगा 1 बार में, यानी 18 = 2 × 3 × 3, पढ़ गया बच्चों। चलिए अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है बच्चों, एलसीएम निकालना है। ये 2 कितनी बार है बच्चों, 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 3 कितनी बार बच्चों, 2 बार। चलिए अब बच्चों हमें निकालना क्या है, एलसीएम। चलिए एलसीएम कैसे निकालो बच्चों, यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिख रहा है बड़ा, 2, तो 2 की पावर 2, फिर क्या दिख रहा है कॉमन, 3 3 की पावर 2। अब बच्चों यहाँ पर अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर यहाँ पर 2, यहाँ पर ये 2 की पावर 2, ज़्यादा कौन सा बच्चों, ये वाला, और इन दोनों में ज़्यादा कौन सा बच्चों, ये वाला, तो लिख दिया बच्चों। चलिए 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 बार गुणा करो, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। 3 को 2 बार गुणा करो, 3 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 9, दोनों को गुणा करो कितना आएगा बच्चों, 36। मतलब बड़ा यहाँ पर कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट लगेगा, मतलब कि 36 मिनट लगेगा रवि और सोनिया को वापस से यहाँ पर सर्कुलर करने के लिए, वापस से यहाँ पर चक्कर लगाने के बजाय आपको टोटल कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट लगेगा, ठीक है, 36 मिनट लगेंगे। आइए बच्चों आपको ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बच्चों, और इसी तरीके से बच्चों मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले होमवर्क लिख लो बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों 18वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों, ये भी उसी तरीके से है, इसको भी आपको बड़ा इसी तरीके से निकालना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 19वें नंबर का क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से आपको निकालना रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों आपको एक क्वेश्चन और यहाँ पर दे रहा हूँ बच्चों, ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन बड़ा अगर तुमने ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लिया तो गारंटेड बच्चों आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चारों 4 क्वेश्चन आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना रहेगा, साथ में जवाब लिखा हुआ है बच्चों, आप इसका आंसर चेकआउट कर सकते हो। ये बच्चे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आपको तो बस सिर्फ वैल्यू से मतलब बच्चों, इसे वैल्यू की मदद से बड़ा आप एलसीएम निकालना चाहो तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना, सभी लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे, अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।